हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ओके, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कितने टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर्स? दो टाइप्स के, इंट्रिंसिक एंड सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक जो होते हैं उन्हें हम प्योर सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। तो अभी इस वीडियो में हम इंट्रिंसिक के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम एक्सट्रिंसिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? एक सेमीकंडक्टर इसकी नेचुरल स्टेट में यानी प्योर फॉर्म में जब होता है तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है प्योर, ठीक है। तो उसकी नेचुरल या प्योर फॉर्म में जब कोई सेमीकंडक्टर होता है तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है कि जो एटम होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर आउटर मोस्ट शेल में चार इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एलिमेंट किस टाइप का कहलाएगा? यहाँ पे लिख दो फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एलिमेंट जो है वो कैसा है? टेट्रावेलेंट एलिमेंट, ठीक है। किस टाइप का एलिमेंट है वो? टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। एग्जाम्पल बताओ कुछ टेट्रावेलेंट एलिमेंट के। एग्जाम्पल आता है जैसे सिलिकन है, जर्मेनियम है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर्स यही है हमारे पास में। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो एग्जाम्पल से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के प्योर स्टेट में। ओके, अब यहाँ पर कुछ चीज जो देखने की वो देखो आप लोग। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो क्या होगा? टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी पोजीशन, जैसे मान लो वो यहाँ है, ठीक है, यहाँ से किसी दूसरी पोजीशन पे चले गए। अब ये दूसरी पोजीशन चले गए, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? वैकेंट साइड बन गई। ओके, इलेक्ट्रॉन इनिशियली यहाँ था, टेम्परेचर बढ़ाया, मूव किया यहाँ से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो ये जगह खाली हुई, वैकेंट स्पेस। तो ये जो वेकेंट स्पेस बनता है इसे किस नाम से जाना जाता है? होल के नाम से जाना जाता है, जो किस तरीके से बिहेव करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जगह खाली है, मान लो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ था, वो यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब ये वेकेंट स्पेस भर गई और ये यहाँ से यहाँ गया, इसका मतलब यहाँ पर खाली स्पेस हो गई, तो एक न्यू होल यहाँ पर क्रिएट होगा। इसी तरीके से वापस ये जो होल का स्पेस है यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके स्पेस को ऑक्यूपाई कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि मोशन होता रहेगा। जो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो हम देखते हैं कि होल मूव इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस डायरेक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो तो करंट कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट बनेगी वो इलेक्ट्रॉन करंट, और होल की वजह से जो बनेगी वो होल करंट, ठीक है। अब देखो, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बहुत कम होते हैं, ठीक है, इसलिए करंट जो सेमीकंडक्टर बन रही है वो बहुत ज्यादा नहीं बन पाती है, तो हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और जो कैरियर्स है इन्हें क्या कहा जाता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहा जाता है। यहाँ पर ये लोग शेयरिंग कैसे करते हैं, एक बार डायग्राम देख लो इसके लिए आप लोग। सिलिकॉन जर्मेनियम में कितने हमने बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन? चार होते हैं इनके पास में। तो देखो जैसे ये कोई जर्मेनियम है, इसके पास में इस तरीके से बना देती हूँ चार इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने चाहिए? ऑक्टेट मतलब आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके आउटर मोस्ट शेल में। अब मान लो यहाँ पर कोई दूसरा जर्मेनियम का एटम है, इसके पास में कितने? चार है, इधर एक बना दो, वन टू थ्री फोर। सिमिलरली हियर वन टू थ्री फोर जर्मेनियम, वन टू थ्री फोर। यहाँ पर आई होप दिख जाएगा आपको, वन टू थ्री फोर, नहीं यहाँ देख लो। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो जर्मेनियम इसके पास में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा कि इस वाले जर्मेनियम के ये चार है तो ये आपस में इनसे शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। शेयरिंग हो रही है इसका मतलब किस टाइप का बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये इसके यहाँ से इस वाले जर्मेनियम से शेयर कर लेगा, यहाँ से ऊपर वाले का, यहाँ से नीचे वाले का। इस तरीके से क्या होता है कि चार इसके पास है और चार ही शेयर कर रहा है। सिमिलरली जब इसकी बात करोगे तो ये भी इस तरीके से शेयर करेगा। तो ये अपना ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, ये हमने जो डॉट बना रखी है ये क्या चीज है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। आया समझ में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? प्योर होते हैं, ठीक है, प्योर फॉर्म होते हैं, इसकी वजह से इसका
इनका जो कंडक्शन होता है बहुत कम होता है। अब अगर हमको इनका कंडक्शन बढ़ाना है ताकि हम इनको ज्यादा यूज कर सकें, उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि इसमें इम्प्योरिटी एड करेंगे। इम्प्योरिटी एड करेंगे तो फिर कौन सा टाइप आएगा, सेकेंड टाइप जो कौन सा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, तो यहाँ पर इतना ही कंसेप्ट है कि प्योर फॉर्म होते हैं, चार इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, टेट्रावेलेंट एलिमेंट कहा जाता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करते टेम्परेचर से होल क्रिएट होता है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर यूज तो होल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन और होल जो होते हैं वो करंट प्रोड्यूस करते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन बेसिकली किस तरीके से वो लोग कोवलेंट बॉन्ड वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें डॉपिंग किस तरीके से की जाती है वो देखेंगे, एन टाइप कौन सा होता है, पी टाइप कैसे होते हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।